आज मेरी बेटी का रिजल्ट निकला है, वो सीबीएसई बोर्ड में थी तो 10th क्लास का था, तो आज उसके स्कूल में बुलाया गया क्योंकि जो बच्चे टॉपर है ना तो उनको फोटो सेशन के लिए बुलाया गया है, तो वहीं पे मैं और बेटी जा रहे हैं। तो आज बहुत खुशी का दिन है, तो आगे जा रहे हैं स्कूल, अगर गाड़ी मिल जाएगी तो फिर गाड़ी में बैठ के जाएंगे, उसके बाद आपको आगे मिलवाएंगे। तो आगे जब रोड पे आए ना तो वहाँ पे ऑटो मिल गया हम लोग को, तो ऑटो में बैठ के अब जा रहे हैं स्कूल, तो थोड़ी ही देर में स्कूल पहुँच जाएंगे। तो जब स्कूल पहुँचे ना तो वहाँ पे देखे बच्चे आ चुके थे, थोड़ा लेट हो गया था हम लोग को, लेकिन एमडी मैम ने तुरंत माला मंगाया, लड्डू खिलाया, टीका लगाया, और जो फ़ोटो खींच रहे थे कैमरामैन उन्होंने फ़ोटो खींचा। तो आज तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा था, बहुत ही खुशी हो रही थी कि मेरी बेटी है जो टॉप रैंक पे है। तो ऐसे तो ये हमेशा टॉप रैंक पे रहती है, और मेरा बेटा भी पढ़ने में बहुत ही अच्छा, वो भी टॉप रैंक पे रहता है, तो दोनों बच्चे मेरे पढ़ने में बहुत ही अच्छा है। तो इतना खुशी होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा आज मैं खुश थी, और मैम भी कह रही थी आज तो आप बहुत प्राउड सा फील कर रही होंगी कि मेरी बेटी टॉप रैंक पे है, आज तो मैं मोहल्ले में निकलूँगी बहुत ही शान से कि हाँ मेरी बेटी 94% ला के टॉप रैंक पे आई है। तो मैंने कहा हाँ मैम बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो जितने टीचर थे ना, जो जो सब्जेक्ट के सारे लोग साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे थे, और जो मैम लोग थी वो भी लोग, सब लोग मतलब सारे लोग बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचवा रही, तो ये 10th क्लास के सारे बच्चे थे, टॉप रैंकर थे ये सारे, तो इस तरह से फ़ोटो सब ने खिंचवाया। और इसके बाद न्यूज़पेपर वाले भी लोग आए हुए थे, तो वो लोग बच्चों का इंटरव्यू ले रहे थे कि आगे तुम्हें क्या बनना है, क्या पढ़ना है, तो बच्चे सब ये बता रहे थे। तो देखिए सब लोगों ने फ़ोटो खिंचवा लिया, और मैंने भी साथ में फ़ोटो खिंचाया था। तो आज मैं क्या बताऊँ आपको कि आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जो न्यूज़पेपर वाले थे ना, बच्चों का नाम है, मम्मी पापा का नाम पूछ रहे थे, और तुम्हें आगे क्या पढ़ना है, क्या बनना है, ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे। तो बच्चे बता रहे थे, तो किसी को सीए करना था, किसी को नीट क्लियर करना था, किसी को इंजीनियर बनना है, तो सारे बच्चे अपने अपने चॉइस बता रहे थे और वो नोट कर रहे थे। तो न्यूज़पेपर में अगले दिन इन लोग का निकलेगा जो टॉपर बच्चे हैं, तो ऐसे सारे बच्चों से बारी बारी से पूछ रहे थे। उसके बाद जो मैम थी वहाँ पे, मुझे भी उन्होंने लड्डू खिलाया कि आप लोग का भी साथ में जो पेरेंट्स रहते हैं, सहयोग रहता है, उन्हीं के उससे बच्चे आगे निकलते हैं। तो बस मैंने भी लड्डू खाया, और उसके बाद फिर फ़ोटो बहुत, मतलब जितने भी प्रिंसिपल थे, टीचर से, सारे लोग बारी बारी से फ़ोटो खिंचवा रहे थे। हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरी बेटी या चाहे बेटा कभी कोई भी ट्यूशन नहीं पढ़े हैं, सब अपनी मेहनत से पढ़ते हैं, और इनके पापा हैं जो बहुत ध्यान देते हैं, और मैं भी हूँ जो साथ देती हूँ बच्चों का। तो बच्चे हमारे पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, बिना ट्यूशन के कोई भी, उसने 10th क्लास इतने अच्छे नंबरों से निकाला, 94% इसका नंबर है जो बहुत ही अच्छा है। तो बच्चे अपनी मेहनत से ही निकाले हैं, कोई भी ट्यूशन वगैरह नहीं है। तो अगर आप ध्यान देते हैं, माँ बाप बच्चे को अगर ध्यान देते हैं, तो बच्चे ज़रूर टॉप में निकलते हैं। तो इस तरह से आप भी बच्चों पे ध्यान दीजिए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, ये ज़रूर ध्यान दीजिए, ना कि हमें बहुत हाई क्लास के स्कूल में डालना है या बहुत ज़्यादा ट्यूशन रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो बच्चे ज़रूर पढ़ के आगे निकलेंगे। ब्रो थोड़ा बैक आना, थैंक यू, स्माइल। तुम लोग याद है मेरी नाक पढ़े ही थे।
सर का नाक बचाने के लिए पड़ी थी अपना नहीं किसको कॉल करना है? कॉल करना है, एक कर ले तो। इसके बाद आ गए हम लोग ऑफिस में, तो कुछ बच्चों को प्रिंट आउट करके मार्कशीट मिला था, तो मैंने कहा चलो हम भी लोग ले लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आए ना, तो यहाँ पे सर नहीं थे जो प्रिंट आउट निकाल रहे थे। तो थोड़ा देर हम लोग बैठे, इंतज़ार किए कि आ जाएंगे सर तो प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी वो सर नहीं आए, तो मैम ने कहा आप बाद में ले लीजिएगा, इस समय सर नहीं है। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा देर वेट करने के बाद घर के लिए चल दिए। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।